ओम नमो नारायण। सभी गुरुओं को चरण स्पर्श, भाई बहनों को नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जंगल में मुझे इस तरह तीन चार पेड़ मिले, तो मैंने कहा इसकी जानकारी आप तक पहुंचा दी जाए। ये जो है जंगली नींबू का पेड़ है। मैं इससे पहले आपको पहचान करा देता हूँ। आप देख रहेंगे पूरा झुंड है, पूरा इसका काफ़ी दूर तक फैला हुआ, और भी पेड़ है इसमें मिक्स है। और ये कम से कम सैकड़ों पेड़ होंगे यहाँ पे, और इसके बीज से गिर के जम जाते होंगे या तने पकड़ लेते होंगे। तो इस नींबू में देखेंगे फूल भी ज़बरदस्त आते हैं। और हम लोगों ने अपने देसी नींबू खाने छोड़ रखे हैं आजकल, वो क्या बोलते हैं कागजी या हाइब्रिड नींबू लेते हैं, जो कि उतने गुणकारी तो होते हैं लेकिन कुछ मायने में ये उनसे भी ज़्यादा गुणकारी हैं। तो इनमें ये जो हमारे ये जंगली नींबू है, इसका दिखाऊंगा तो फल इसकी लंबाई लिए हुए होता है, मतलब ये लंबे में बढ़ते हैं फल गुलाई की अपेक्षा। जैसे यहाँ पे देखिए ये एक छोटा सा फल दिख रहा है मुझे, ये यहाँ पे ये अभी इसके आपको फल भी दिखाऊंगा, उधर पका हुआ फल भी मुझे दिखाया। और ये इसके छोटे छोटे फल हैं जो आ रहे हैं। तो ये जंगल में है, मुझे इससे पहले भी तीन चार झुंड दिखे इसके नींबूओं के। तो इस नींबू का फ़ायदा ये होता है कि जैसे हम इस नींबू का हर मायने में तो काम करती है नींबू। देखिए खट्टा नहीं होता है, पेट में जाके क्षारीय हो जाता है अम्ल की जगह, तो ये अल्कलाइल हो जाता है, तो हमारे लिए फ़ायदा करता है। और इसके साथ ही इस नींबू के रस को, यानी दो चम्मच हम जैतून का तेल ले लें और दो चम्मच हम एक चम्मच नींबू का रस लेते हैं, और सुबह खाली पेट और रात को खाना खाने के घंटे बाद खाते हैं, तो हमारी पथरी जो है बहुत कमज़ोर हो जाती है। फिर हम कोई भी आयुर्वेदिक दवा लेते हैं तो पथरी टूट के निकल जाती है। पित्त की पथरी में भी ये काम करता है। तो दो चम्मच जैतून का तेल और एक चम्मच उसमें इस नींबू का बिजोरे या जंगली नींबू का रस। तो ये लंबाई में फल होता है, मैं दिखाऊँ, देखिए कितना फला हुआ है पेड़, पूरा लदा हुआ पड़ा है फूलों से, और ये कुछ दिनों बाद इसमें फल ही फल आएंगे। तो सारे हमारे वन्य जीव या जो भी लोग यहाँ से निकलते होंगे वो लोग खाते होंगे। और इसका एक फल यहाँ पे भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए ये रहा, तो अभी सीजन स्टार्ट हुआ, देखेंगे तो ये भी देखिए लंबाई में और गुलाई में, और इसके दो पीले फल भी दिखे हैं मुझे। मैं तोड़ने की कोशिश करा लेकिन वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर सांप भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, और कांटे इतने कि इसके अंदर पैर रखना ही दुर्लभ है। तो बाहर बाहर से हम दर्शन कर ले रहे हैं, वही बहुत है। तो इसके फल यहीं कहीं दूर दिख रहे थे मुझे। काफ़ी दूर है, क्लियर आता है तो देखते हैं, ये दिख रहा होगा आपको। बहुत ही कांटों के बीच में देखिए दो नींबू लगे पड़े हैं, ये आपको धुंधले से दिख रहे होंगे कांटों के बीच। ये जो बाद में लंबे थे बाद में गोल हो गए और पीले कलर के इनके पीछे आपको दिख रहे होंगे, यही नींबू है। तो जंगली नींबू की लोग बहुत डिमांड करते हैं, पूछते रहते हैं, इसको पौधे भी चाहिए होते हैं, किसी को बीज भी चाहिए होता है। एक तरीके हो सकता है कि कभी किसी ने खा के फेंका हो, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन ये अपने आप ही देखिए यहाँ पे बहुत पेड़ है। मैंने उस पार से इस पार आ गया, पूरी गुलाई में है और 20 फुट की गुलाई के राउंड में ये पेड़ है। तो सोचिए कितने नींबू लगते होंगे इसमें। तो इस हर चीज़ का अपना स्वाद है, अपना फ़ायदा है, तो हमें इसको उगाना चाहिए। और मैं शाम को जब वापसी जाऊँगा तो जो दूसरा झुंड था वहाँ से भी, वहाँ मुझे इससे भी अच्छा लगा, तो वहाँ से मैं इसके पौधे ज़रूर ले जाऊँगा। और हमारे जितने बंगाली समुदाय के लोग हैं उन लोगों के घरों में ऐसे नींबू पाए जाते हैं, जो बिजोरे नींबू होते हैं लंबे वाले, तो जहां हमने हाइब्रिड और कागजी में सिमट के रह गए हैं वहां पे इसका भी प्रयोग करना चाहिए। जो इसके गुण हैं वो उसमें नहीं मिल सकते, तो ये पथरी के लिए बहुत ही अच्छा इसका उपाय है। और कमज़ोर करेगा, निकाल भी सकता है, कमज़ोर भी करेगा, लेकिन जिसको अगर पथरी नहीं है और इस नींबू का सेवन करता है तो उसको पथरी नहीं बनेगी। तो ये चीज़ है, आपको जितना मुझे ज्ञात था मैंने बताया है, आप लोगों ने वीडियो देखा, धन्यवाद, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।